आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांसवन आपके साथ इस वक्त की ताजा खबर आरजेडी के भीतर खाने से सामने आ रही है जहां पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिल्ली नहीं पहुंचे आपको बताया कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को दिल्ली बुलाया था मुलाकात करने आज यह मुलाकात होनी थी जगदानंद सिंह के बारे में यह कहा जा रहा था कि उन्हें बीती शाम ही दिल्ली पहुंचना था लेकिन उनके बदले उनके बेटे सुधाकर सिंह इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं जहां वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे लेकिन जगदानंद सिंह इस वक्त तक पटना में है के तरफ से कोई बयान इस मुलाकात को लेकर सामने नहीं आया है पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कयास इस बात के भी लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आरजेडी से बड़ी नजदीकी जगदानंद सिंह को नागवार गुजरी के बाद लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से महज चार दिनों पहले ही उन्होंने अपना त्याग पत्र का प्रस्ताव आरजेडी के सामने रख दिया जबकि लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को बेहद समझा बुझाकर वापस से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का निर्देश दिया था लालू प्रसाद ने यह कहा था कि जगदानंद सिंह की जरूरत आरजेडी को अभी है तेजस्वी यादव को एक सपोर्ट की जरूरत है ताकि जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी बिहार में बेहतर काम कर सके महज एक से दो महीने ही हुए हैं बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार को और अब आरजेडी और जदयू के बीच की जो तलखी है वो साफ साफ नजर आ रही है खबरें तो ये भी है कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आत्मीयता तेजस्वी यादव से बढ़ी है जब जब दोनों में नजदीकियां बढ़ी है तब तब जगदानंद सिंह को ये नागावार गुजरी है तीन दशकों पुराना नीतीश कुमार से जगदानंद सिंह का रिश्ता है पर इस रिश्ते में जो खटास है वो बिहार की महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी कम नहीं हुई है यानी कि दोनों के बीच का जो फासला है वो अभी तक कम नहीं हुआ है और यही है कि जगदानंद सिंह ने अपने त्यागपत्र का प्रस्ताव रख दिया इतना ही नहीं आर कार्यालय से अपना सारा सामान और सारे कागजात वो वहां से उठाकर बड़े आराम से चलते बने आर के भीतर खाने ये जो तलखी और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया है उसे आर को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है जिसके लिए कोशिश की जा रही है और इससे कड़ी में जगदानंद सिंह को खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली बुलाया था मुलाकात करने के लिए आज ये मुलाकात शाम के समय में होनी है लेकिन अभी तक जगदानंद सिंह पटना में है कोशिश आरजेडी की तरफ से ये क्या की जा रही है कि जगदानंद सिंह को मनाकर समझा बुझाकर उन्हें आरजेडी में वापस लाया जाए ताकि वो अपने पद से पीछे ना हटे क्योंकि जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़ देने से आरजेडी को एक भारी नुकसान और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक भारी फायदा हो सकता है जिसको लेकर आरजेडी बेहद सजग है वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जदयू को लेकर बेहद असहज है वजह यह भी है कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री के रूप में सुधाकर सिंह ने पदभार ग्रहण किया था इस नई सरकार बनने के बाद लेकिन अपने बयानबाजी से अपनी ही सरकार से उन्हें हाथ धोना पड़ा और नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं जहां उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होगी मुद्दों पर चर्चा होगी यह मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है कि सुधाकर सिंह की तरफ से आखिरकार क्या कुछ बातें रखी जाती है हालांकि सुधाकर सिंह का इस्तीफा खुद जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के पास लेकर पहुंचे थे लेकिन वो बेमन से थे क्योंकि चाहते नहीं थे कि सुधाकर सिंह अपना मंत्री पद छोड़े पर अपने बयानबाजी की वजह से नीतीश सरकार ने उन्हें कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब जो ये बाप बेटे की जोड़ी की नाराजगी है वो साफ साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार से जदयू से और इसका खासा असर अब अमआरजेटी पर भी पड़ने लगा है देखना यह है कि जगदानंद सिंह क्या आज दिल्ली पहुंच पाते हैं या फिर वो दिल्ली नहीं जाएंगे लालू प्रसाद यादव बात का मान नहीं रखेंगे क्या कुछ होता है यह तस्वीर आज शाम शाम तक साफ हो जाएगी फिलहाल के लिए सब्जेक्ट में इतना ही ना कहीं अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फाउंडेशन में नमस्कार